कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय प्रश्नावली 5.2 प्रश्न क्रमांक दूसरा, क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। यदि कोई सरल रेखा, मान लो यदि कोई सरल रेखा है, मान लो अपन उसको इस प्रकार से बनाते हैं, एक रेखा मान लो बनाई अपन ने, एम, एक रेखा बनाई मान लो एम, मान लो कोई रेखा उसको इस प्रकार से क्या करती है, काटती है, ये प्रतिच्छेद करने वाली रेखा मान लो L। अब देखिए, यदि कोई सरल रेखा L दो सरल रेखाओं, दो कैसी सरल रेखाओं M एवं N पर इस प्रकार क्या होती है, पड़ती है कि L के एक ही ओर कि इस L के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, एक ही ओर से अंतः कोणों का क्या योग, दो समकोण, कितना दो समकोण, मान लो यहां पर हमने मान लिया कि ये 50 अंश का कोण बन रहा है और मान लो कि यहां पर ये 130 अंश का कोण बन रहा है, उदाहरण के लिए, तो इन दोनों का योग दो समकोण यानी कि कितना 180 अंश हो गया। तो वे रेखाएं, तो ऐसी कंडीशन में वे रेखाएं M एवं N, M एवं N इस ओर यानी कि ये लेफ्ट साइड कभी भी लेफ्ट साइड कभी भी नहीं मिलेगी किसके, यूक्लिड के कौन से पांचवें अभिग्रहित के अनुसार, यूक्लिड के पांचवें अभिग्रहित के। अब ध्यान से देखो, अगर इधर 50 अंश है तो रेखीय युग्म अभिग्रहित से हम जानते हैं कि इधर 50 होगा तो इधर का जो कोण बचा है वो 130 का होगा और इधर 130 का है तो इधर जो बचा कोण है वो भी 50 का होगा। अब इन दोनों का योग भी 180 आ रहा, तो अब हम आगे लिखेंगे एवं क्योंकि दूसरी ओर के, दूसरी ओर के कौन से अंतःकोण, एवं चूंकि दूसरी ओर के अंतःकोणों का क्या योग भी दो समकोणों का, कारण एक 30 का है दूसरा 150 का है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना 180। अतः ये क्या इस तरफ या दूसरी ओर भी नहीं, दूसरी ओर भी नहीं मिलेगी, जब ये ना तो बाईं तरफ मिल रही है और ना तो ये दाईं तरफ मिल रही है, इसका मतलब है
इसलिए रेखाएं M एवं N कैसी होगी? समांतर रेखाएं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेषकल धन्यवाद।